से बात करता हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। आप क्या करती हैं? मैं डॉक्टर मिथिलेश गौतम, प्रधानाचार्य लाला लाजपत राय कन्या इंटर कॉलेज में, प्रिंसिपल इंटर कॉलेज में, दलकोर, लाला लाजपत राय कन्या इंटर कॉलेज दलकोर, गौतम बुद्ध नगर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जी। और आप? मैं डॉक्टर राजेश गौतम, एडवोकेट। आप लोग हमेशा आते हैं बाबा साहब के यहीं आते हैं? यहाँ भी आते हैं, हर जगह जाते हैं, विधानसभा भी जाते हैं और जहाँ और प्रोग्राम होते हैं वहाँ भी जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हमारा प्रोग्राम है मुरादनगर भी है और अभी बिलासपुर है, दनकोर के पास में कस्बा, वहाँ अटेंड करके आए हैं और जहाँ इन्वाइट, जन्मदिन, जहाँ इन्विटेशन होता है, जन्मदिन तो सभी जगह पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ हमें इन्विटेशन है या जहाँ हमारा अवेलेबल हो सकते हैं वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, आप प्रिंसिपल हैं, सच सच बताइएगा, बहुत सारे लोग जब मायावती जी सीएम थी तब नोएडा में ये प्रेरणा स्थल हजारों करोड़ रुपए से यहाँ बना, लखनऊ में बना, आज जब उनके सीएम पद से हटे 12 साल हो गए, आज लोग नोएडा आते हैं तो ये देखते तो सोचते किसने बनवाया, लखनऊ में भी जाते हैं तो दोनों तरफ रमाबाई अम्बेडकर और जितना क्यों तो लोग देखते हैं और अम्बेडकर पार्क सब कुछ देखते, तो अब कहते कि अरे ये तो इतना सब कुछ बनवाया, लेकिन उस समय ये कहा गया कि हजारों करोड़ रुपए जनता के पैसे को बर्बाद कर दिया गया और इस तरह के अपनी मूर्ति खुद लगवा ली और ऐसे ऐसे किया। अब मैं उसके बाद काशी राम जी के जन्मदिन के मौके पर, बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर, पुण्यतिथि के मौके पर जब मैं उन जगहों पर जाता हूँ तो मैं हजारों की संख्या में लोगों को आते हुए देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मायावती ने कुछ किया चाहे नहीं किया, जैसे और लोगों ने अपने प्रतीक और प्रेरणा स्थल बनवाए, अपने समाज के लिए उन्होंने ऐसी चीज़ बना दी जो आने वाले दिनों तक ऐसे आप लोग आते रहेंगे और इसको प्रेरणा देती रहेगी। तो आप क्या मानती हैं कि ये जो बनवाया और हजारों करोड़ रुपए खर्च किया वो ठीक किया या इसमें थोड़ी कमी भी कर देती? उन्होंने ठीक किया, ये बहन जी ने बहुत ठीक किया, क्योंकि हमारे आने वाली समाज को प्रेरणा मिलेगी, महापुरुषों के जो जीवन से प्रेरित जो प्रेरणादायक प्रसंग लिखे हैं वहाँ पर, उनसे प्रेरणा मिलेगी सभी को कार्य करने की, समाज को में परिवर्तन आएगा। और जब तक ये सब चीजें नहीं बनी थी तब आप लोग ये सब कार्यक्रम कैसे करते थे और कहाँ करते थे? तब भी करते थे हम लोग, जगह जगह करते थे, प्रतीक बना के अपने गाँव में, आजाद बुद्ध विहार बना के, अम्बेडकर भवन बना के उनमें लोगों को जागृत करते थे, तब भी करते थे। अब थोड़ा व्यापक स्तर पर हुआ है, इससे देखने का मतलब ये है कि जो हमारा एक देखिए कि संविधान जो है हमारे देश की रीढ़ है, उसी के आधार पर सब कुछ चल रहा है, लेकिन लोगों को संविधान नहीं पढ़ाया जाता, और तरह की पुस्तकें और काल्पनिक पुस्तकें, काल्पनिक कहानियां वो पढ़ा करके भ्रमित करने का काम किया जाता है युवा पीढ़ी को। तो जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, संविधान बना के दिया जिसमें देश संचालित हो रहा है, उसकी उन बाबा साहब की यदि हम जगह जगह जो है उनको हाईलाइट कर रहे हैं, कोई भी सरकार कर रही है, बाबा साहब अगर गलत है तो जो आज जो है तेलंगाना की सरकार क्यों कर रही है, जो है आंध्र प्रदेश की सरकार क्यों कर रही है, या बाकी और सरकारें क्यों कर रही है, ऑस्ट्रेलिया क्यों कर रहा है, अमेरिका क्यों कर रहा है, अमेरिका ने नॉलेज डे, वर्ल्ड नॉलेज डे घोषित कर दिया इसको, सिंबल ऑफ नॉलेज बनाया है कि जो जिस चीज को छुपाया गया था उस चीज को उभारने का काम, बाबा साहब के योगदान को देश में दुनिया में कौन भुला सकता है, और भुला के रखा हुआ था ना पहले, तो मायावती ने, माननीय काशी राम साहब ने, उनसे पहले पासवान साहब आए 90 में जब जो भारत रत्न देने का काम करा, 90 के बाद ही सारी चीजें शुरू हुई। कह रहा हूँ कि इतना सब कुछ आप मानते हैं, बावजूद इसके मायावती दिनों दिन कमजोर होती क्यों चली गई सियासत में? सियासत देखो राजनीतिक मैटर है, इसमें तो कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो चलता रहता है, लेकिन अभी उनके वोटर उनके साथ अभी तक जुड़े, अभी भी जुड़े हुए हैं वोटर, अभी भी जुड़े, दिल से जुड़े हुए हैं। ये तो ईवीएम का मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला, लेकिन जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं उनसे। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा ना फिर पता चलेगा कितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे, ये ईवीएम की वजह से लगता है कि वो लोग कम हुए हैं, लेकिन काफी लोग जुड़े हुए हैं दिल से। तो बहुत लोग हमसे कहते हैं कि ये जो अनाज मिल रहा है, ये जो टॉयलेट मिल रहा है, ये जो गांव में मकान मिल रहा है, इससे बीजेपी की तरफ और मोदी सरकार की तरफ एससी वोटरों में बहुत आकर्षण आया है, सही बात है? हाँ आया है, कि वीकर सेक्शन को जानकारी नहीं है, वो खाली 5 किलो अनाज और उस पर उनको शिक्षा का पता नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य देश से गायब होता जा रहा है, रोजगार गायब होते जा रहे हैं, उन्हें छोटी छोटी चीजों का लालच दे के भिखारी बनाया जा रहा है, बिंडे बिल दिया जा रहा है सरकारी स्कूलों में, पढ़ने की चेतना नहीं आ रही, बच्चों को पढ़ाई नहीं दी जा रही, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी साजिश है हमारी वीकर सेक्शन के साथ। ये भारत की अधिकांश जनता के साथ एक बहुत बड़ी साजिश है,
शिक्षावृत्ति से हटा करके भिक्षावृत्ति की तरफ ले जाने की एक साजिश है कि ताकि जो है जो यहाँ का 90% व्यक्ति है वो केवल जो है रोजी रोटी, जैसे पहले कहते थे राजा को राज प्रजा को नाच, बस प्रजा तो नाच पर आधारित रहे और जो कुछ लोग चंद रोज राज करने वाले राज करते रहे। एक आप एक बात बताइए, आप हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में जाती है कि नहीं? नहीं जाती। श्री राम लल्ला का अयोध्या में मंदिर आप वहाँ जाए? देखिए मंदिर हमें भिखारी बनाते हैं और ये जो शिक्षा के केंद्र है हमें विद्यालय अधिकारी बनाते हैं। मंदिर में अंदर जो बैठा है वो भी लोगों से आशा करता है कि हमें चढ़ावा चढ़ेगा और जो बाहर भिखारी बैठे वो भी छोड़ते हैं कि अंदर वाले हमें भीख देंगे, लेकिन एक शिक्षा का मंदिर ऐसा है जहाँ लोग अधिकारी बनते हैं। पूरा देश तो जा रहा है अभी, देखिए रामनवमी होने वाली, वो तो अलग मैटर है, आस्था का प्रश्न है, जिसकी आस्था है जिसकी जहाँ आस्था है वो वहाँ जा रहा है वो अलग मैटर है। आप भी नहीं जाएंगे? भारत में देखिए 99% व्यक्तियों को जो है ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग यहाँ सदियों से होती आई है, चाहे किसी के नाम पे हो जाए। आप जाएंगे अयोध्या की? नहीं नहीं, मैं तो नहीं गया अभी तक। जाएंगे कभी? वैसे जाना पड़े पर्यटक के तौर पर तो जा सकते हैं, वैसे नहीं आस्था के तौर पर नहीं। आस्था के तौर पर नहीं। और फिर दूसरी बात यह है, जिसे आज अयोध्या कह रहे हैं उसका प्राचीन काल में नाम साकेत था और उसके नीचे जो खुदाई हो रही थी बुद्ध के अवशेष निकल के आ रहे थे, वो सारे जो है गायब कर दिए गए। इस सरकार ने वो चीजें लेके नहीं आई, जो चीजें जो वो गायब कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य वाली बात बोलने में भव्य राम मंदिर बन गया, वो ठीक है लोगों की आस्था, लेकिन वो सही नहीं है। हमें शिक्षा के चिकित्सालय खोलने चाहिए, हमें शिक्षा के मंदिर बनाने चाहिए। शिक्षा बजट कम हो रहा है और आपका जो सुरक्षा में बजट कम हो रहा है। अच्छा आपके हिसाब से मोदी सरकार तीसरी बार बनेगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। वो तो 400 पार कह रहे हैं नहीं होगा, वो कहने दो, कह रहे हैं वो, कुछ वो, कहते, वो जो कह रहे हैं वो कहने दो, उनका काम है कुछ भी कह दे, जमान पे किसी का कोई वो नहीं है। जादूगर पे और जो है उन पे तो कुछ नहीं, वो कुछ भी कह दे, वो रेल रोक दे, हवाई जहाज जो है पानी में तैरा दे, पानी के वाले को ऊपर उड़ा दे, वो कुछ भी कर सकता है जो जादूगर है। पूरे दिन रंजन सर तो पूरे में घूमते, सब कुछ ज्यादा सच्चाई थे इनको भी मालूम है, कौन नहीं जानता। आप तो दर्शन भी हो गए आज तो आपके, रोज हर जगह पूछो मत, इतना टूर करते हो आप। बहुत अच्छा काम, ईमानदारी से पत्रकारिता निभाए। अरे मैं बस आप लोगों से को मानता हूँ, सही बात है आज की डेट में ईमानदारी में, जो बिल्कुल सही ईमानदारी की बात कर रहे हो, चाहे संदीप चौधरी रहे हो चाहे गरिमा सिंह रही हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब मैं थोड़ा कुछ, हाँ जी कुछ बोलना चाहिए। नमस्कार, नहीं मैं कुछ नहीं बोलने, साहब ने बोले बहुत है। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ। ये ट्रैक बढ़ाइए, ट्रैक कम हो गए।